नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की आराधना करने के दिन होते हैं। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पड़ने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि को माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के पूजन का विधान है। तो चलिए जानते हैं अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा विधि के बारे में। नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोद और सदैव फलदायिनी है। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको समस्याओं से मुक्त कराती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। दुर्गा अष्टमी पूजा विधि। इस दिन माँ दुर्गा के साथ उनके 8वें स्वरूप महागौरी माता का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें और देवी माँ की आरती उतारें। महाअष्टमी पूजा का महत्व। नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन पूजा करने से शादी विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही महागौरी की पूजा से दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है और पारिवारिक कलह भी खत्म हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने भी श्री राम की प्राप्ति के लिए देवी महागौरी की पूजा अर्चना की थी। बहरहाल तो आप भी इन्हीं सब विधि से माँ की पूजा अर्चना करें और माँ गौरी की भक्ति प्राप्त करें।